लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लो खाल, बैठो। गलत फहमी हुई है प्रभाकर, मैं भला ऐसे देशद्रोही ग्रोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं। मैं तो खुद गरीबों का, जनता का हमदर्द हूं, उनके दुश्मनों का भी दुश्मन। हर चीज का दुश्मन है आप, दोस्ती के नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब आपने रघु को जान से मरवा दिया। मैंने इतने समझदार पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? मुझे आपके हाथों पर नहीं बल्कि आपके मुंह पर खून लगा नजर आता है सेठ दीनदयाल। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे। हूं नहीं थे, ये मत समझिए कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रहीं। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? जी ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख से तड़प रहे हैं, और ये नीच काम करना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल, जिस दिन देश का भूखा बचपन जवानी पर आएगा, उस दिन दिल में एक बदले की भावना होगी जो आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, फाड़ दो ऐसे भेड़ियों को, चीर दो ऐसे गद्दारों को। और तब शायद सरकार तो क्या, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेगी। बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। जानता हूं कि आपको लोग एक शेर के नाम से जानते हैं, मगर ये मत भूलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है, और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। बहुत बोलता है, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। हम जो आए तुम्हारे डबल पापा है, ग्रैंड पापा है। चलो 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 चलो, नहीं चाहिए। तो बस ये था, चलो गरिया जी कुट्टी। छी
ऐसे कुछ नहीं किया करते पिंकी, तुम्हारे पापा तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं। फिर पापा हमें छोड़ने क्यों नहीं आए, कहीं काम में फंस गए होंगे। उन्होंने शिमला में आने का वादा किया है ना, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत से खिलौने लेकर के आएंगे। अरे ट्रेन छूटने वाली है, पापा से कहना कि हम उनसे नाराज नहीं है, हम उन्हें चिट्ठी लिखेंगे। बाय डैडी। टाटा। पापा को शिमला लेके जरूर आना ग्रैंड पापा, पापा को हमारी पप्पी देना। टाटा। Doctor, I'm sorry, sir. Who are you meeting? Don't be pessimistic, doctor. Don't talk like this. आपको उसे बचाना होगा, किसी हालत में, किसी कीमत पर आपको उसे बचाना होगा डॉक्टर। आइए साहब, हमसे जो कुछ भी हो सका हम सब कुछ कर चुके, अब तो भगवान ही कोई करिश्मा करे तो करें। भगवान जरूर करिश्मा करेगा डॉक्टर, भगवान जरूर करिश्मा करेगा। मुझे मेरा ऑफिसर प्रभाकर चाहिए डॉक्टर, उसके बच्चों को उनका बाप चाहिए डॉक्टर, और इस देश को अपना बेटा प्रभाकर चाहिए डॉक्टर। यू मस्ट सेव हिम, सेव हिम एट एनी कॉस्ट डॉक्टर। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, गॉड ब्लेस यू। बड़े मजेदार आदमी है जेलर साहब। ये भी गलत, 3 महीने पहले मैं जेलर साहब था डॉक्टर। सरकारी नौकरी में रिटायर होने के बाद कोई साहब नहीं रहता, अब मैं सिर्फ जेलर डेविड हूँ, यू कहिए ओनली जेल। ओके सर, फिर मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर, विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। अमा खन्ना, मुझे अपने घर डिनर पर बुलाते हो खुद यहाँ? खैरियत तो है? बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा बेटा? मेरे समान ही है प्रभाकर, तुम उसे नहीं जानते। बैठो। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। बड़े दुख की बात है तुम। ये प्रभाकर है ना, कि दिल का बहुत साफ आदमी है, इसीलिए मुश्किल में पड़ गया था। ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता, खौल उठता है, तो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता। जरूर ये दुश्मन के अड्डे में घुस गया होगा और वहां उसे ललकारा होगा। स्टूपिड इडियट, ये नहीं जानता कि उसका नतीजा क्या होगा। और उन जहरीले सांपों ने से डस लिया। सारे शहर में लोग मुझे लॉयन कहते हैं।
देखो डेविड, चला गया देश का बेटा, शहीद हो गया मेरा प्रभाकर कटोली और सरखन्ना। आ मेरे साथ। जो चीज जो बास्टर्ड मैं अभी पिंकी और पिंकी से वादा करके आया हूं, मैं उनके पापा को उनके पास लाऊंगा। तुम हमें छोड़कर चले गए, अब मैं क्या जवाब दूंगा? ये नहीं हो सकता। और तो देखो खन्ना, ये तुम्हारा प्रभाकर नहीं हो सकता। बस नॉनसेंस योर टॉकिंग डेविड, यही मेरा प्रभाकर है। नो नो खन्ना, हेलो दिल्ली सेंट्रल जेल, मैं डेविड बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जेलर रहमान को फोन दो। जेलर रहमान, मैं डेविड बोल रहा हूँ, नंबर 511 कहाँ है? क्या कहा? वहीं है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता? फिर से देखो। जी सामने दिख रहा, पक्की बात है? अच्छा, क्या हुआ डेविड? कमाल की बात है यार खन्ना, सुना था, पढ़ा था, फिल्मों में देखा था, पर जिंदगी में भी ऐसा हो सकता कभी सोचा ही नहीं था। What happened, man? What happened? मैं चक्कर खा गया हूं यार। क्या हुआ क्या? एक कैदी है नंबर 511 मेरे दिल्ली के सेंट्रल जेल में, बिल्कुल तुम्हारे प्रभाकर की शक्ल। बस वही चेहरा, डिट्टो। क्या बकते हो? ठीक बकता हूं यार। एक्सक्यूज मी सर, मरते वक्त प्रभाकर साहब का हाथ इस चार्ट पर था, हाथ में पेन था, उन्होंने इस पर कुछ लिखा है। नंबर 17 नंबर 17 क्या मतलब? जरा देखो ये क्या डेविड? नंबर 17 मतलब तो मैं भी नहीं समझा। मैं समझ गया, नंबर 17 का ताल्लुक उस गैंग से है जिसने प्रभाकर श्रीवास्तव को मारा है। ये नंबर 17 क्या हो सकता है? हो सकता है मकान नंबर, गली नंबर, कार नंबर, कैदी नंबर। कैदी नंबर रॉय? यस सर। प्रभाकर श्रीवास्तव मरा नहीं, बंदा, यू अंडरस्टैंड? ये आप क्या कह रहे हैं सर? तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि प्रभाकर श्रीवास्तव इम्प्रूव कर रहा है, दिन ब दिन ठीक हो रहा है। ये बात, ये खबर हर अखबार, हर रिपोर्ट में छापेंगे। यू गेट माई पॉइंट? बट सर, आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज माय ऑर्डर एंड आई मूव फास्ट। ओके सर। डेविड, अगर प्रभाकर को भगवान ने वापस बुला लिया है तो तुम्हें भी भगवान ने भी इसी वक्त मेरे पास भेजा है। कल सुबह की पहली फ्लाइट से हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं प्रभाकर को वापस लाने के लिए। खन्ना, ये उल्टी सीधी स्कीमें मत बनाओ, फंस जाओगे। तुम जानते हो उसे? एक नंबर का हरामी, महा उजड़ खतरनाक, खूनी है, खूनी, दो खून कर चुका है। वकीलों ने जिरो से संभाल लिया तो उम्र कैद हुई, वरना फांसी पे लटक जाता। खन्ना, ये 511 तुम्हारे बस का रोग नहीं, एकदम बिगड़ा हुआ सांड है।